नमस्कार। सृजन हेतु प्रेरणा आवश्यक तत्व है। पिरामिड विषय पर आधारित एनिमेटेड मूवी के प्रति प्रतियोगियों के तरफ से मिलने वाले सुखद व आश्चर्यजनक प्रतिक्रियाओं ने हमें श्रेष्ठतम हेतु प्रेरित किया है। कक्षाओं में 3D शीर्षकों को समझना अपेक्षाकृत कठिन कार्य होता है। सर के लेक्चर, क्लास नोट्स व CD तीनों का कॉम्पैक्ट विषय को आसान कर देता है। आपसे निवेदन है कि क्लास अटेंड करने के साथ साथ CD का भी अवलोकन करें। स्पर्धा के इस दौर में एक शिखर आपका हो, इसी जुनून में पूरी शिद्दत के साथ डिवाइन टीम निरंतर प्रयत्नशील है। तो आइए इसी खंड में चर्चा करते हैं प्रिज्म विषय पर। डिवाइन कैरियर कोचिंग की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिरामिड पर आधारित एनिमेटेड मूवी के प्रति मिलने वाले उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाओं के लिए आप सभी का आभारी हूं। आइए इस कड़ी में हम ठोस ज्यामिति के प्रमुख शीर्षक प्रिज्म पर आधारित सभी पहलुओं पर चर्चा करते हैं। प्रिज्म एक त्रिविमीय आकृति है। प्रिज्म के दोनों सिरे आधार और शीर्ष सर्वांगसम बहुभुज होते हैं, अर्थात आधार और शीर्ष के आकार और माप दोनों बराबर होते हैं। आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल बराबर होता है तथा दोनों एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं। त्रिभुजाकार आधार पर बने प्रिज्म को देखें। इसका आधार और शीर्ष दोनों सर्वांगसम त्रिभुज है। आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल बराबर है। वर्गाकार आधार पर बने प्रिज्म को देखें। इसके आधार और शीर्ष दोनों सर्वांगसम वर्ग हैं। इसके भी आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल बराबर है। वह चतुर्भुज जिसकी भुजाओं का एक युग्म समांतर हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब एक ऐसा प्रिज्म देखें जिसका आधार एक समलंब चतुर्भुज है। इसके आधार और शीर्ष दोनों सर्वांगसम समलंब चतुर्भुज हैं तथा इसके भी आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल बराबर है। इसी प्रकार किसी भी प्रिज्म के दोनों सिरे आधार और शीर्ष के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। आगे प्रिज्म की पार्श्व फलकें देखें। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर तथा समांतर हों समांतर चतुर्भुज कहलाता है। किसी भी प्रिज्म की पार्श्व फलकें एक समांतर चतुर्भुज होती हैं।
हाइट ऑफ प्रिज्म, प्रिज्म की ऊंचाई। प्रिज्म के आधार व शीर्ष के बीच न्यूनतम दूरी या लंबवत दूरी प्रिज्म की ऊंचाई कहलाती है। ऑब्लिक प्रिज्म वे प्रिज्म हैं जिनके आधार तथा शीर्ष को जोड़ने वाली कोरें आधार की भुजा के साथ परपेंडिकुलर न हों। ऑब्लिक प्रिज्म की पार्श्व फलकें समांतर चतुर्भुज होती हैं। अब राइट प्रिज्म को डिफाइन करते हैं। वे प्रिज्म जिनके आधार तथा शीर्ष को जोड़ने वाली कोरें परपेंडिकुलर हों अर्थात लंब हों राइट प्रिज्म कहलाता है। राइट प्रिज्म की पार्श्व फलकें आयताकार होती हैं। लंब प्रिज्म की ऊंचाई आयताकार फलक की लंबाई के बराबर होती है।
भी प्रिज्म का आयतन ज्ञात करने के लिए उसके आधार के क्षेत्रफल में प्रिज्म की ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। त्रिभुजाकार आधार वाले प्रिज्म का आयतन ज्ञात करने के लिए इसके आधार अर्थात त्रिभुज के क्षेत्रफल में प्रिज्म की ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यदि ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं क्रमशः ए इकाई, बी इकाई तथा सी इकाई हो, तो प्रिज्म के आधार अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होगा, जहां एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होल अपॉन टू। यदि ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है और त्रिभुज का आधार और ऊंचाई ज्ञात हो, तो प्रिज्म के आधार अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यदि एक लंब प्रिज्म के त्रिभुजाकार आधार का परिमाप और उस त्रिभुजाकार आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो, तो प्रिज्म के आधार अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू त्रिभुज का परिमाप इंटू अंतःवृत्त की त्रिज्या। यदि प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज हो, तो उस प्रिज्म के आधार अर्थात समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 इंटू आधार इंटू लंब। यदि प्रिज्म का आधार एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज हो, तो उस प्रिज्म के आधार अर्थात समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर अपॉन 4। यदि लंब प्रिज्म का आधार ए इकाई भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है, तो उस प्रिज्म के आधार अर्थात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर। वर्गाकार आधार वाले लंब प्रिज्म का आयतन ज्ञात करने के लिए इस प्रिज्म के आधार अर्थात वर्ग के क्षेत्रफल में प्रिज्म की ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि वर्ग की भुजा की लंबाई ए इकाई हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू ए स्क्वायर। यदि वर्ग के विकर्ण की लंबाई डी हो, तो वर्ग का क्षेत्रफल इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन 2। इस प्रिज्म का आयतन ज्ञात करने के लिए प्रिज्म के आधार अर्थात समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल में प्रिज्म की ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं। लंब प्रिज्म का आधार एक समलंब चतुर्भुज है, उसकी समांतर भुजाओं की लंबाई ए इकाई तथा
बी इकाई है और समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी एच इकाई हो तो प्रिज्म के आधार अर्थात समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एच। इस प्रिज्म का आयतन ज्ञात करने के लिए प्रिज्म के आधार अर्थात समखष्टभुज के क्षेत्रफल में प्रिज्म की ऊंचाई से मल्टीप्लाई करते हैं। यदि लंब प्रिज्म का आधार ए इकाई भुजा वाला समखष्टभुज हो तो प्रिज्म के आधार अर्थात समखष्टभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 3√3/2 इंटू ए स्क्वायर। इसी प्रकार किसी भी प्रिज्म का आयतन ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम उसके आधार के क्षेत्रफल को ज्ञात करते हैं और आधार के क्षेत्रफल में प्रिज्म की ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लंब प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू प्रिज्म के आधार का परिमाप इंटू प्रिज्म की ऊंचाई। किसी भी बहुभुज या पॉलीगन का परिमाप उसकी सभी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर होता है। यदि ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ इक्वल टू त्रिभुज का परिमाप इंटू प्रिज्म की ऊंचाई। यदि ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक वर्ग है तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ इक्वल टू वर्ग का परिमाप इंटू प्रिज्म की ऊंचाई। यदि ठोस लंब प्रिज्म का आधार एक समखष्टभुज है तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ इक्वल टू समखष्टभुज का परिमाप इंटू प्रिज्म की ऊंचाई। इसी प्रकार किसी भी लंब प्रिज्म के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए उसके आधार के परिमाप में प्रिज्म की ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लंब प्रिज्म के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इक्वल टू पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस प्रिज्म के दोनों सिरों का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि प्रिज्म के दोनों सिरों आधार और शीर्ष का क्षेत्रफल बराबर होता है, अतः दोनों सिरों का क्षेत्रफल इक्वल टू 2 × प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल। इसी प्रकार किसी भी प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने के लिए उसके पार्श्व पृष्ठों के क्षेत्रफल में दोनों सिरों का क्षेत्रफल जोड़ देते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को प्रिज्म से संबंधित किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में यह सीडी उपयोगी सिद्ध होगी। हम अपनी अगली एनिमेटेड मूवी में बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, घन और घनाभ से संबंधित सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ऑल द बेस्ट।
तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आप सभी ने एंजॉय किया होगा इस नए तरीके से सीखने में। हमें आशा है कि प्रिज्म विषय के बारे में एनिमेटेड मोशन पिक्चर द्वारा बताए गए राजेंद्र सर के लेक्चर आपकी इस विषय से संबंधित सारी समस्याएं दूर करेंगे। और जल्द ही हम लौटेंगे अपने नए टॉपिक बेलन शंकु गोला के साथ। इस विषय से संबंधित और विस्तृत जानकारी के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं divinecarrierinstitute.co.in पर। और अंत में मैं आभार प्रकट करना चाहूंगी व्हाइट अम्ब्रेला एंटरटेनमेंट का, जिनके अथक प्रयास से एनिमेटेड मोशन पिक्चर्स संभव हो पाया है। धन्यवाद।